सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिप व्लॉग। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी RS 200 का माइलेज टेस्ट। बेसिकली अपन लोगों को तकरीबन जाना है, एक शूट के लिए जाना है, 100-120 या 200-150 किलोमीटर के आसपास हमें इसको ड्राइव करना है, जिसके अंदर हमने सोचा कि यार हमारी बाइक के अंदर अभी पेट्रोल फुल से थोड़ा सा इतना सा कम है, हमने कहा पेट्रोल फुल करा लेते हैं और एक ब्रिम टू ब्रिम जो माइलेज टेस्ट होता है वो निकाल के देखते हैं बाइक का क्या एवरेज ही हमें निकाल के देने वाली है। मेरे हिसाब से देखो, ये मेरे को जो एक्सपेक्टेड, एक मैं एवरेज की बात करूँ, मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 तक का दे देना चाहिए जिस हिसाब से हमारी ड्राइविंग है। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, जैसे कि हम इसका माइलेज टेस्ट निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि स्पेशली मैं वीडियो के लिए बाइक को स्लो चलाऊँ, तेज़ चलाऊँ। नॉर्मल जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, चाहे मैं उसमें तेज़ चलाता हूँ, रेस चलाता हूँ, स्लो चलाता हूँ, जैसे भी चलाता हूँ उसी सेम तरीके से आपको चला के मैं दिखाने वाला हूँ, और देन जो माइलेज आएगा आप लोगों को वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले टारगेट अपना इसके अंदर पेट्रोल डलाना। एक बार आप लोगों को इसका फ्यूल दिखा देता हूँ अभी इसके अंदर कितना है। ऑन करते हैं तो भाई अभी इसके अंदर आप लोग फ्यूल देख लो भाई, आपको यहाँ पे इसके अंदर फ्यूल से एक डंडा सिर्फ कम देखने के लिए मिलेगा। और अभी थोड़ी टेढ़ी भी खड़ी हुई है तो इस वजह से भी एक बार ये भी खोल के चेक कर लेते हैं। वैसे तो फ्यूल ये रखा देखो यहीं पर ऊपर ही नज़र आ रहा होगा। खैर अभी ये डलवाएंगे और तब अपनी जो मीटर में रीडिंग होगी वो प्रॉपर भाई इसके अंदर नोट कर लेंगे, देन मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जो भी कुछ होता है आज की वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलो भाई निकलते हैं, आप करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट। और अभी यार हमें इसके अंदर अपना मिरर वगैरह भी लगवाने हैं क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर चलान चलान बढ़ गए हैं ना। गाइस फाइनली वी आर रीच इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। अब हम यहाँ से इसका कराएंगे टैंक फुल और देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है और मतलब इसके अंदर कितना लीटर हम फ्यूल भरवाते हैं या जो भी कुछ है। खैर अभी तो जितने का भी फ्यूल होगा वो मैटर नहीं करता है, असली मैटर करता है बाद का फ्यूल। फुल कर दो। अंदर नहीं जाएगा। तो कितने का आ गया, 277 का, 3.24 लीटर। ठीक है कोई नहीं, फाइनली भाई देखो फुल हो चुकी है। अब अपने को देखो चेकआउट कर लो, फुल है ना, रेडी टू रोल भाई। अब हमारा टारगेट है सबसे पहले इसके अंदर जो भी इसके ट्रिप मीटर हैं उनको करते हैं हम जीरो। एम और एस का यहाँ पे दो बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, एम वाला बटन दबा के इसका मैं ट्रिप करता हूँ जीरो। देखो भाई अभी इसका जो ट्रिप वन है वो उसमें 676 किलोमीटर चल चुके हैं, इसको अब हम करते हैं ज़ीरो। एंड ट्रिप वन इज़ ज़ीरो और मैं ट्रिप टू को भी ज़ीरो कर देता हूँ, बाद में दिमाग में किसी भी तरीके का ये ख्याल ना आए कि मतलब एक ज़ीरो करा था एक ज़ीरो नहीं करा था। ट्रिप वन एंड ट्रिप टू बोथ आर ज़ीरो। लेट मी चेक अगेन, नाउ वी आर रेडी टू रोल। अब सब कुछ हो चुका है, टैंक इसके अंदर फुल करवा चुके हैं, एफ के पास आप लोग चेकआउट कर लो फुल हो चुका है, ये भी आप लोगों ने देख लिया फुल हो चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं अपनी असली राइड स्टार्ट और हम वापसी भी ना इसी पेट्रोल पंप से आके डलवाएंगे पेट्रोल। बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत करना, इन्जॉय करना, मज़ा आएगा वीडियो में, एंड तक देखो फुल एकदम मज़ेदार वीडियो होने वाला है। नाउ रेडी, जो हमारा रन होने वाला है ना वो हाईवे पे और सिटी में दोनों में मिक्स रन होने वाला है। और नॉर्मल जैसे डे टू डे लाइफ में चलाते हैं ना, सेम वैसे ही चला रहा हूँ, ना कोई तेज़ ना कोई धीरे, नॉर्मल जैसा मेरा ड्राइविंग स्टाइल है सेम वैसे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं आगे मिलता हूँ। 5.6 किलोमीटर, अब हम हमारी जो बाइक है हम 5.6 किलोमीटर चल चुके हैं, जिसके अंदर देखो ट्रैफिक कैसा था एक बार नॉर्मली वो बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि जिसको लेनी होगी उसके लिए बात इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे कि हम अभी चल रहे हैं, अभी तो नॉर्मल ट्रैफिक है, कहीं पे मतलब हाईवे पे भी नॉर्मल ट्रैफिक मिल रहा है, इससे आगे निकालना पड़ता मतलब कि हमें जो है ना ट्रैफिक मिल रहा है नॉर्मली जिस पर हम चल रहे हैं। एंड
अगर मैं ऐसी नॉर्मल रोड्स पर बात करूँ तो देखो इनके ऊपर गियर शिफ्टिंग होती है ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा चला डाउन शिफ्ट कर दिया, फिर थोड़ा सा चले फिर अप शिफ्ट कर दिया, जितना ज़्यादा आपका गियर शिफ्टिंग अप एंड डाउन होगा ना उतना ज़्यादा आपका मान के चलो माइलेज डाउन जाएगी। जितना ज़्यादा कॉन्स्टेंट एक ही गियर पर चलाओगे, जैसे कि आप जिस गियर पर कॉन्स्टेंट चले जा रहे हो माइलेज अप जाएगी। ये एक मतलब क्राइटीरिया होता है कि आपका जो व्हीकल होता है वो इस तरीके से माइलेज निकाल के देता है या फिर इस तरीके से वो परफॉर्म करता है। भाई ये सामने जो वैगनार देख रहे हो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैंने कहा यार तो ये चीज़ एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई। अब ये बात तो भाई कमेंट बॉक्स में भर भी लिखा रहता है, देख रहे हो सामने वैगनार पे। भाई साहब इन्होंने तो आज की डेट में ना उन्हें माफ़ कर रखा है, क्या नाम है जो अपने ट्रक वाले होते हैं ना जो ट्रकों के पीछे स्लोगन लिखवाते हैं, उन्हें माफ़ कर रखा है। देखो भाई यहाँ पे मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, जो भी भाई हमारे दिल्ली से है ना ये आगे लिखा हुआ है ना लेफ्ट टर्न इज़ नॉट फ्री, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ये लिखा हुआ सामने लेफ्ट टर्न नॉट फ्री, अभी अगर इससे लेफ्ट निकाल देगा भाई साहब चलान कट जाना है। अधिकतर दिल्ली में भाई ये हो चुका है हर जगह पर लेफ्ट टर्न इज़ नॉट फ्री, तो बेसिकली हर किसी को केयरफुल रहना चाहिए थोड़ा सा, तो वही चीज़। और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना नीचे, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग से बुलेट वाला बंदा आगे खड़ा है भाई इसका भी चलान कट जाएगा, इससे तो आगे खड़े होने ही नहीं, हम भी वैसे थोड़ा सा गलत खड़े हुए हैं, इसके पीछे खड़ा होना होता है। खैर अपनी रेड लाइट हो चुकी है, निकलते हैं चलते हैं। अपने को लेफ्ट जाना थी, भाई देखो फाइनली अब इस टाइम पे हमारी बाइक चल चुकी है 17.3 किलोमीटर, आई थिंक इसमें विजिबल हो रहा होगा गोप्रो में। तो भाई 17 किलोमीटर तक हमने इसको चलाई है अभी तक, 80-100 चला रहे हैं, जाम में चला रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में चला रहे हैं, किलोमीटर आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं फ्लावर के ज़बरदस्त सिनेमेटिक शॉट। और हमने बाइक के अंदर फ्यूलिंग करवाई है ना उसके बाद से हमने इसको चला दिया है, ट्रिप वन भी हमने कर दिया था ज़ीरो, जिसमें 48 किलोमीटर चल चुके हैं शायद नज़र आ रहा होगा। और ट्रिप टू दिखा देता हूँ एक बार ही, ट्रिप टू में भी 48.4 किलोमीटर चल चुकी है। हमारा जो पेट्रोल पंप था ना जहाँ से हमने फ्यूलिंग कराई थी वो बस आगे आने ही वाला है, तो मैंने कहा उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी तक का क्या स्टोरी है। अभी इसकी अगर हम इसकी बात करें मीटर में तो भाई फुल दिखा रही है, और एक बार टैंक खोल के भी देख लेते हैं टैंक में कितना दिखा रही है बाइक हमारी। तो भाई टैंक में भी देखो ऊपर तक ये भी फ्यूल रखा हुआ है ना, तो अब चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है, कितना ये मतलब माइलेज वगैरह इसका आता है। और इसको हर कंडीशन में चला के ला रहे हैं भाई हम, पीछे से पूरी फुल भी भगाई है जो कि क्लिप आपने देख ली होगी, और उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसको मतलब स्लो भी चलाई है, ट्रैफिक में भी चलाया, मतलब हर कंडीशन में, ठीक है ना। चलते हैं हम शोरूम, शोरूम कह रहा हूँ, शोरूम से आए ना अभी, तो अब हम चलते हैं अपना फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल पंप पे, लेट्स सी क्या है माइलेज हमें आज देती है। मतलब यही है बाइकों का माइलेज ना देने का कारण, स्पेशली दिल्ली की बाइकों का, भाई दिल्ली मुंबई वाले जो है ना उनके व्हीकल से जो अगर माइलेज नहीं आती है ना तो उसका कारण यही है। देख रहा हूँ कितनी लंबी लाइन है, तो वही ट्राई करता हूँ अगर आप लोगों को दिख जाए तो आगे तक। अब अगर हाईवे में वैसे अगर सॉरी हाईवे में नहीं, अब अगर जाम में इसके मैं अगर RS के ड्राइव की बात करूँ ना, ड्राइव क्वालिटी तो इसकी यार बहुत बढ़िया है, मतलब इजीली निकल जाते कहीं से, क्लिप ऑन हैंडल बार होने की वजह से इजीली कहीं से भी निकल जाते, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। और अपनी बाइक आज जहाँ तक 1000 किलोमीटर भी कंप्लीट कर देगी, पहले इसके 1000 किलोमीटर अगर इंस्टा पे फॉलो कर रखा होगा तो आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाती होंगी। मेक श्योर फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर ID नज़र आ रही होगी।
तो भाई देखो फाइनली हम इंडियन ऑयल पे पहुंच चुके हैं। जब हम जा रहे थे तो हमने उधर की साइड से डलाया था जो वहाँ पे है, अब हम इधर की साइड से डला लेते हैं क्योंकि आमने सामने है तो थोड़ा सहूलियत रहेगी, वरना फिर यार कहाँ यू टर्न ढूंढते फिरेंगे। वैसे ही भाई दिल्ली में यू टर्न ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर निकलना पड़ जाता है। तो चलते हैं, करवाते हैं इसको फुल। और अपनी बाइक चल चुकी है, लेट मी चेक, 54 किलोमीटर्स। इस दिन पता है वीडियो बनानी है, 20 रुपये का पेट्रोल डलाने वाली, इसके साथ बहुत जल्दी वीडियो डालेंगे वाली भी, पकड़ ही नहीं। फुल फुल अंदर तक जाएगा नहीं भैया, यहीं तक जाएगा, ठीक है ना। चलाओ रोक दो, कार्ड है? हाँ कार्ड है। 135 का बस, 135 का आया और पेट्रोल आया 1.58 लीटर। करियो मल्टीप्लाई अभी नहीं, अभी वहाँ बैठ के आराम से फोटो ले ले इसकी एक। तो भाई देखो फाइनली हमने बाइक जो अपनी रिफिल करवा लिया, 54 किलोमीटर हम टोटल किलो मतलब 54 किलोमीटर हमारी बाइक जो टोटल ड्रिवन है। अब एक बारी मैं आपको माइलेज निकाल के दिखाता हूँ, मुझे इससे उम्मीद है इसने माइलेज दी होगी, मेरी एक्सपेक्टेशन है वही 25-30 के आसपास दी होगी, ठीक है। अब एक बारी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, यहीं पर फोटो अटैच कर दूंगा साइड में। जब हमने इसमें फ्यूल डलवाया था तो 135 कुछ रुपये का आया था, जो आया था हमारा 1.58 लीटर। तो हमारी बाइक चल चुकी है देखो 54, यहाँ पे देखो, तो हम लिखेंगे 54 डिवाइडेड बाय हमारी कितने किलोमीटर चली है, मतलब कितने का फ्यूल आया, वो आया हमारा 1.58 रुपीज़ का। देखते हैं क्या माइलेज आती है। भाई 34 की एवरेज दी है इसने, मतलब बजाज पल्सर RS 200, मतलब कि 135 रुपये के पेट्रोल में, पेट्रोल छोड़ो मतलब माइलेज की बात करी जाए तो 134 की इसकी माइलेज है। अब अगर मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये 34 तक की देगी। अब जैसे हमने चलाई है इसको, हमारा जो चलाने का, हमने जैसे इसको चलाई है, हमारा चलाने का जो थोड़ा तरीका ना वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि रफ़ एंड टफ है। हम थोड़ा हाई थ्रॉटल कर देते हैं, हाई एक्सेलरेशन कर देते हैं। अब अगर जो बंदे इसको तरीके से चलाएंगे ना, मतलब कि स्पीड में मतलब 60 चलाएं, नॉर्मल हाई एंड गियर्स पे कम स्पीड पे चलाएं, एक गियर पे कांस्टेंट चलाएं, तो भाई मेरे हिसाब से 40 तक की माइलेज दे सकती है। और 34 भी भाई इंप्रेसिव है, लिटरली इंप्रेसिव माइलेज है। मेरे को एक्सपेक्टेशन लास्ट 25 थी, 25 से 27 तक की मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और भाई अगर आप लोग वीडियो स्किप करके यहाँ तक आए हैं तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, वीडियो स्किप करे बिना आते और यहाँ तक वीडियो देखते तो भाई मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, अब अगर वीडियो स्किप करके आए हो तो कोई नहीं, बाकी यही था RS 200 का एक माइलेज वाला वीडियो। अभी 54 किलोमीटर चल चुकी है, अब देखेंगे फुल पेट्रोल के अंदर ये कितनी चलती है। 54 को फिर से जीरो करेंगे और देखेंगे कि मतलब जो भी 800-900 रुपये का इसके अंदर पेट्रोल आता है उसमें कितने किलोमीटर ड्रिवन होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑन कर सकते हैं।